आज का जो प्रोग्राम था वो फूड फोर्टिफिकेशन पे था, जिसमें हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स, सुपरवाइजर्स और हमारे जो बेनिफिशरीज थे उन्होंने कंट्रीब्यूट करा है। हमारा जो मेन मकसद रहता है, जैसे हम अपने आंगनवाड़ी सेंटर में भी जितना भी जो भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं वो फोर्टिफाइड रहता है, तो हमारा मेन फोकस यही है कि जो हमारे बेनिफिशरीज भी हैं उनके घरों में भी पता चले कि फोर्टिफाइड फूड ही यूज़ करना है। जैसे जो भी हम आटा लेते हैं, चावल लेते हैं, ऑयल यूज़ करते हैं, सॉल्ट यूज़ करते हैं, मार्केट में ईजी अवेलेबल है, बस लोगों को थोड़ा अवेयरनेस की ज़रूरत है कि फोर्टिफाइड फूड ही यूज़ करें। और हमारे जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनका जो मेन रोल रहता है कि वो घरों घरों में जाके भी बताती हैं कि आप फोर्टिफाइड फूड का ही यूज़ करें। और आज का प्रोग्राम का मेन मकसद और मेन उद्देश्य यही था कि फोर्टिफिकेशन होनी चाहिए। थैंक यू। हाँ जी, आज का जो मेन प्रोग्राम था जो फूड फोर्टिफिकेशन पे था, जैसे हमारे आंगनवाड़ी सेंटर में ऑलरेडी फोर्टिफाइड फूड ही यूज़ होता है, जिसमें हम फोर्टिफाइड राइस, फोर्टिफाइड ऑयल, फोर्टिफाइड सॉल्ट यूज़ करते हैं, जिसमें हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स जो रहती हैं वो घर घर में जाकर भी अवेयरनेस देती हैं। और आज हमारे जो बेनिफिशरीज है, जो हमें बुलाए हुए थे, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जिनको हमने फोर्टिफाइड फूड के बास्केट्स भी प्रोवाइड करे, जिनमें हमने गोद भरवाई कराई प्रेग्नेंट लेडीज़ की, उनको हमें फोर्टिफाइड फूड के बास्केट दिए कि उन्हें पता चले कि फोर्टिफाइड फूड का कितना महत्व है, जो बच्चे के लिए, माँ के लिए, नर्सिंग मदर के लिए कितना ज़रूरी है। थैंक यू।